केंद्र का सहयोग रहा हो और प्रदेश की सरकार ये काम पूरा न कर पा रही हो। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में बच्चों की जान जा रही, बहुत दुखद है। सरकार को पहले इलाज का इंतजाम करना चाहिए, कम से कम बच्चों की जान तो बचे। और वहीं मैं उत्तर प्रदेश के लिए कह सकता हूँ, सुनने में आया है कि प्रतापगढ़ में एक कोठेदार के हाथ पैर काट करके उसको मार दिया, और अभी कुछ दिन पहले एक पासी जो छोटा मोटा काम करता था उसको उसकी चारपाई से बांध करके जिंदा जला दिया। और अभी तक तो न जाने कितनी पॉलिटिकल वर्कर्स की हत्याएं हो चुकी हैं। आखिरकार सरकार कर क्या रही है? सरकार को जो काम करना चाहिए, उनकी जो जिम्मेदारी है कि लोगों को बीच में सुरक्षा की भावना आए। सुरक्षा की भावना ही खत्म हो गई यूपी में। आपको लगता है कि जो वन नेशन वन पोल की बात कर रहे हैं उससे बेहतर होता कि स्टेट फंडिंग की बात करते, पूरे इलेक्शन की अगर स्टेट फंडिंग हो जाए तो ये सारा मामला ही खत्म हो जाए? ये बड़ी लंबी एक्सरसाइज है। अभी तो बहुमत मिला है सरकार को, और जो सरकार बहुमत पाई हो तो उसके वादे बहुत हैं, क्योंकि जनता ने भरोसा ज्यादा किया है, उनके वादों पे भरोसा किया है। मैं समझता हूँ पहले दिन से एक्सरसाइज ये हो कि वो वादे जो किए जनता में वो कैसे पूरे हों, उसके लिए रोड मैप क्या हो। और हमें उम्मीद है कि वादों पे ज्यादा काम हो, और ये जो फैसले हैं वन नेशन वन इलेक्शन, इससे तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे दल हैं जो कभी पक्ष में नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि नए सोच के साथ नए लोग आए हैं, तो क्या ये सोच आप पूरे इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने कहीं बात नहीं की? पूरा इलेक्शन गुजर गया उत्तर प्रदेश में, हमने तो कहीं नहीं सुना कि उस पर एक मिनट भी एक भाषण में भी चर्चा रही हो। पर ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में भी देखने को मिला है कि भिंड के अंदर वहाँ पर कई इलाकों के अंदर जो बच्चों की मौत हो गई। देखिए, बच्चों की जान जाना, वो नई पीढ़ी के जान चले जाना, ये बहुत दुखद है। ये जिम्मेदारी सरकार की है, सरकारों पे बहुत संसाधन है, बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, और बच्चे किन की जा रहे हैं, किन की जान जा रही है? उन बच्चों की जान जा रही है जिनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, अभाव में जीवन जी रहे हैं, और अभाव की वजह से ही वो उनका इलाज नहीं करा पा रहे हैं। ये सब बच्चे गरीब परिवारों के ही, जिनकी घटना हुई है, सब गरीब परिवार के बच्चे हैं। योगी सरकार अम्ब्रेला एक्ट लेकर आई है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए कि पहले तो यूनिवर्सिटियों को आप बुलाते हैं, इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि हमारी स्टेट में इन्वेस्टमेंट हो, और इन्वेस्टमेंट किसी भी फील्ड में हो। सरकारें वो आई जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए काम किया और जिसकी वजह से यूनिवर्सिटियां बनी। अब कैसी पाबंदी लाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ ऐसे तो कोई आएगा ही नहीं, ना कोई कॉलेज खोलेगा ना कोई यूनिवर्सिटी खोलेगा। यूनिवर्सिटी तो खोलनी नहीं है उन्हें, यूनिवर्सिटी बंद करनी है उन्हें।